आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से सावन मास की शुरुआत हो रही है। सावन मास की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है और सावन मास का पहला सोमवार 18 जुलाई को है। सावन मास में शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने का भी विशेष महत्व है। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन मास को लेकर मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही है। 14 जुलाई गुरुवार से सावन मास की शुरुआत हो रही है और सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को है। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय मास है। इस मास में भगवान शिव की आराधना करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन मास में शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने का भी विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से सावन मास की शुरुआत हो रही है। सावन मास की शुरुआत 14 जुलाई से हो रही है और समापन 12 अगस्त को होगा। शास्त्रों में रवि योग के बारे में बताया गया है कि इस योग में किसी मंत्र की साधना अधिक फलदायी होती है। इस योग में मनोकामना सिद्धि के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप और शिव पुराण का पाठ बेहद लाभकारी रहेगा। साथ ही रवि योग में शिव परिवार की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। जैसा कि हर साल की भांति इस साल जो है सावन का जो महीना है वो 16 तारीख से जो है संक्रांति से जो है हिमाचल जो पर्वतीय जो प्रदेश है उनमें मनाया जाता है। बाकी जो प्लेन जो समतल जो इलाके हैं वहाँ पर जो है पूर्णिमा 13 तारीख से जो है सावन का महीना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोनों का ही जो है पहला सोमवार है वो 18 तारीख जो है वो पहला सोमवार होगा और इसमें जो है भक्त जो है श्रद्धा अनुसार जो है भोलेनाथ का दूध दही घी शहद शक्कर से पंचामृत से फूल बेलपत्र इत्यादि से शिव पूजन करते हैं और जिनका विवाह ना हो रहा हो एक कुंवारी कन्या जो है मंगला गौरी का व्रत करती है मंगलवार को और सोमवार को हो जो है शिव जी का रुद्राभिषेक इत्यादि लोग कराते हैं। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है ये श्रद्धा उपवास से जो मनाया जाएगा। शिव शाम मंदिर में किस तरह की व्यवस्था रहती है? मंदिर में जो है प्रातः काल से ही लोगों को जो है लाइनें लग जाती है रुद्राभिषेक करने के लिए और इसमें जो है 5 सोमवार इस बार जो है सावन के हैं जो तो हर सोमवार को जो है भोलेनाथ का प्रसाद जो है फल इत्यादि जो वितरण किए जाते हैं और रुद्राभिषेक किया जाता है और साथ में जो है भजन कीर्तन इत्यादि का थोड़ा अभी शुरू किया है क्योंकि थोड़ा कोरोना महामारी का थोड़ा की वजह से। सावन का क्या महत्व है, सावन क्यों मनाया जाता है? सावन मास जो है प्राचीन शिव पुराण की कथा के अनुसार जो है पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए जो तपस्या की थी उस तपस्या से प्रसन्न होकर के जो है भोलेनाथ ने जो है इसी महीने में जो है पार्वती माता को जो है आशीर्वाद दिया था, प्रसन्न हुए थे और कहा था कि इस महीने में जो भी मेरी पूजा करेगा श्रद्धा भक्ति के अनुसार मुझको एक पानी का लोटा ही अर्पित करेगा उससे भी प्रसन्न होकर मैं भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करूंगा। और साथ में जो एक कथा के अनुसार जो है जब भोले जो है शूद्र मंथन हुआ था तो उससे भोलेनाथ ने जो विष पिया था उसकी जो है विषाग्नि को ठंडा करने के लिए भी जो है लोग जो है सब ने अपनी इच्छा अनुसार जिनके पास जो था दूध दही घी शहद शक्कर या गंगा जल इत्यादि से रुद्राभिषेक जो है उनके जो है विष को शांत करने के लिए चढ़ाते हैं और साथ में जो है भोलेनाथ से प्रार्थना कर स्वस्थ कामना की सिद्धि के लिए जो है भोलेनाथ की पूजा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।